गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस सीजलिंग। आज मैं आपके साथ टेस्टी, हेल्दी, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी स्प्रिंग ऑनियन पराठा। इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसे आप प्लेन भी खा सकते हैं, साइड डिश की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। काफ़ी टेस्टी, इजी, हेल्दी वे में इसे बनाते कैसे रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी। स्प्रिंग ऑनियन पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें डाल रही हूँ व्हीट फ्लावर। इस कप से मैंने एक कप ऑफ व्हीट फ्लावर ऐड किया है। नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर, नेक्स्ट नमक। रेड चिली पाउडर एंड नमक मैंने 1 स्पून ऐड किया है, आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। नेक्स्ट 1/2 टेबल स्पून ऑफ हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्प्रिंग ऑनियंस को अच्छे से चॉप करके ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 कप्स ऑफ स्प्रिंग ऑनियंस लिया है। देखिए, इसे मैंने बिल्कुल स्मॉल पीसेस में चॉप कर लिया है। नेक्स्ट इसमें डाल देंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1/2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है मैंने। नेक्स्ट गरम मसाला, बस थोड़ा सा गरम मसाला ले रही हूँ मैं, आप चाहे तो होममेड या फिर घर का भी ले सकते हैं। डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे को मसाले के साथ। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी देख के डालिएगा इसमें, क्योंकि स्प्रिंग ऑनियंस में ऑलरेडी नेचुरल पानी का क्वांटिटी होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा पानी को। एक बार स्पून से मिक्स करने के बाद अब मैं हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ इसे, और थोड़ा सा पानी ऐड करके। अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा डले तो आप फिर और थोड़ा सा व्हीट फ्लावर इसमें ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देखिए, ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके ऊपर से ऑयल डाल के रख देंगे। 1/2 टेबल स्पून के जितना ऑयल डाल के मैं इसे रख रही हूँ साइड में, ताकि हमारी रोटी अच्छे से सॉफ्ट आ जाए। सो इसे रखने के बाद हम इसका प्लेट कवर करके 15 से 20 मिनट्स तक ऐसे ही रख देंगे। आफ्टर 15 से 20 मिनट्स ये आटा भी थोड़ा सा सोक हो चुका है, तो अब हम इसे राउंड बॉल की तरह बना लेंगे। सो यहाँ पे मैंने 3 बॉल बना लिया है रोटी के डाव से, आटे के डाव से। सो अब हम रोटी बनाना शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा ऐड किया है इसमें। ऐड करने के बाद रोटी को पहले हाथ से प्रेस कर रही हूँ। ऐसा प्रेस करके बनाने से रोटी अच्छे से बनेगी। सो आपको जितना हो सके आप उतना रोल कर सकते हैं रोटी को। यहाँ पे मैं रोटी का साइज थोड़ा मोटा ही रख रही हूँ। देखिए, बस इस तरह से मैंने इसे राउंड शेप में बेल लिया है रोटी को। अब हम एक पैन लेके पैन में इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। पैन भी हमारा गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें रोल किया हुआ रोटी ऐड किया है। ऐड करने के बाद हम इसे दोनों साइड्स अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही ये दोनों साइड्स अच्छे से पकने लग जाए, हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल या घी, आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल ऑयल ऐड किया है। दोनों साइड हम ऑयल लगा के फ्राई कर लेंगे इसको। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ बटर। फ्राई करने के बाद ऊपर से मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। ऐसा डालने से अच्छे से टेस्ट आएगा इसमें से। सो इसे थोड़ा मेल्ट होने तक पकाते हैं। जैसे ही ये मेल्ट हो जाए, हम इसे एक सर्विंग प्लेट में लेके सर्व कर लेंगे। काफ़ी टेस्टी होता है पराठा, है साथ ही साथ हेल्दी भी है ये। सो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाने में भी इजी है। एंड आप चाहे तो इसको दही की कर्ड या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर प्लेन भी खा सकते हैं। मैं यहाँ पे अचार एंड दही के साथ सर्व कर रही हूँ। काफ़ी टेस्टी होता है ये। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ब्रेकफास्ट या फिर लंच या फिर डिनर में भी खा सकते हैं।